आप लोग यहीं रुकिए, आप आइए। ये केस मास फूड पॉइजनिंग का है और अदालत कोई भी अंतिम फैसला देने से पहले सिद्धार्थ चौबे को 48 घंटे के लिए जमानत पर रिहा करती है ताकि वो सबूतों के साथ अदालत में आकर अपने और मिठाई के रिश्ते का सच साबित कर सके। अगर ये खुद को निर्दोष साबित कर पाए तो ठीक, वरना मिठाई को सही पर भी कोर्ट को गुमराह करने का मुकदमा चल सकता है। दादू, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने गए तो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हम लोग, ये किस सॉल्व लग गया? बेटा कोई बात ना है, हर उलझन जीवन में कछु ना कछु सिखावे के लिए आवे है। हमने अपना काम पूरा कर दिया, आगे गोपाल जी की मर्जी। दादू, ये शादी मैंने सिर्फ आपको बचाने के लिए की है। हाँ। और मैं फंस गया, और अगर तू अपनी बात पे ना डटे रहे हो तो मैं, तू और मिठाई तीनों ना बच पाएंगे। हाँ बेटा, यहाँ बहस मत कर, काऊ वकील ने सुन लिया, पखेड़ा खड़ो कर दिया तो पहले जमानत की और बाकी कानूनी कार्यवाही पूरी कर लें। तो बेटा मिठाई कहाँ है? दादू मुझे क्या पता, वो इसी का टिकती कहाँ है? अरे तुम दोनों साथ साथ रहो, तुम्हारी अभी अभी शादी भई है, अगर जस साकू सा खेल गया तो। दादू मैंने पहले क्लियर किया था, ये शादी सिर्फ इस कोर्ट के फैसले के लिए, सिर्फ एक दिन की शादी है, उससे ज्यादा क्यों उम्मीद मत कीजिएगा। बेटा सिद्धार्थ, मैंने पहले ही कही कि यहाँ और फैसला है, जा पहले जाके मिठाई को ढूंढ, जमानत की कार्यवाही पूरी करनी है। हाँ हे गोपाल जी, सब आपके भरोसे, मेरे बच्चन को सही राह दिखाइयो। I love you. Yes, I love you so much. प्रॉमिस कर, तुझे शादी नहीं करनी ना, कोई बात नहीं, लेकिन तू किसी और से भी शादी नहीं करेगा। एंड वेन एवर यू थिंक ऑफ इट, इट विल बी विद मी। एज यू लाइक। सावित्री जी, आप अपने सत्यवान को घर ले जा सकती है। ऐसे कैसे कर सकता है? तू मिठाई से कैसे शादी कर सकता है? तू सिर्फ मेरा सेट, सिर्फ मेरा, मेरा नहीं तो किसी का नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं। ना सेट, मॉम, 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 प्लीज, अब बर्दाश्त नहीं होता। सिटस अनपढ़ फेरी वाली से कैसे शादी कर सकता है? मॉम, आपके होते हुए कैसे हो गया? सिट ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो कभी शादी नहीं करेगा, और करेगा तो मुझसे करेगा। गोपाल जी, मैं जानू, आप अपने भक्तों को साथ कभी नहीं छोड़ो। कभी कभी भक्ति नहीं समझ पाओ। आरती, सुन रही हो ना? अम्मा जी को फोन आया हो, तुम्हारा सपना पूरा है क्या? तुम्हारे बेटे और मेरे बेटे की शादी है गे? तेरी जब प्यारी सी बच्ची है देख के मन में एक ख्याल आ रहे है, अपने बचपन की दोस्ती है हम रिश्तेदारी में बदल लें। मैं तेरी मिठाई है अपने सिद्धार्थ के लिए मांगती हूँ। आरती, आज तुम यहाँ होती तो कितनी खुश होती। जो भाई हो वो गोपाल जी की मर्जी थे, सविनय की लीला है, वरना कल रात तक तो मैंने मान ही लियो हो।
कि जीते जी मैं अपनी लाली को मुंह ना देख पाऊंगी। गोपाल जी, जिस भी परिस्थिति में शादी भई हो, उन दोनों ने खुश रखो। मैं आज दिनांक 27 जुलाई 2022 को ये घोषित करता हूँ कि सिद्धार्थ चौबे और मिठाई गोसाई चौबे आज कानूनन और विधिवत रूप से पति पत्नी हो गए। माँ, ये घर और की बातें करके ना गोपाल जी को कंफ्यूज मत करो। इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है मिठाई को, बिजनेस करना है बिजनेस। मिठाई, मिठाई, तुम्हें दादू बुला रहे हैं, चलो चलो। वैसे भी जो कुछ हुआ उससे मैं बहुत परेशान हूं। परेशान तो मिठाई भी है दादू के पोते। जो कुछ भी हुआ आपको बचाने के लिए हुआ। सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। वेरी ट्रू। सोचा नहीं था स्टूपिड सी वरमाला पहनकर मैं कोर्ट में खड़ा रहूंगा। ये स्टूपिड माला तो मिठाई के गले में भी है दत्तू के पोते। आप तो जानते हैं कि मिठाई का सपना क्या है। शादी करना तो मिठाई का पहला सपना कभी था ही नहीं। पहला सपना दूसरा सपना, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं तो शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब तो हमारी शादी हो चुकी है। जो कुछ भी हुआ गोपाल की मर्जी से हुआ, और हालात की वजह से हुआ। मुझे मत सिखाओ गोपाल की मर्जी है ना, समझी? चौबे जी, अभी तक आप लोग इसी परिसर में गए नहीं? जी बस खुश रहिए। धन्यवाद धन्यवाद। मैं इस शादी को नहीं मानता। मैंने सब कुछ दादू के लिए किया है। जबरदस्ती की शादी है ये, जिसमें मैं 1% भी बिलीव नहीं करता। मिठाई ने भी जो किया दत्तू के लिए किया, लेकिन वजह चाहे जो भी हो, शादी पवित्र बंधन है, जन्म जन्म का रिश्ता। जो एक बार जुड़ गया तो बस जुड़ गया। मिठाई इस रिश्ते को पूरे मान सम्मान के साथ स्वीकार करती है और खुद से वादा करती है कि जीवन भर इस रिश्ते के गरिमा को बनाए रखेगी। ओ हेलो, होश में तो हो तुम? तुम्हें क्या सचमुच लगता है कि मैं इस मजबूरी के समझौते को जिंदगी भर होता रहूंगा? आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि एक औरत के लिए सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व आप कभी नहीं समझेंगे। खैर, आपके आप जाने, मिठाई तो अपनी बात कर रही है। जो करना है करो, और मेरे लिए शादी सिर्फ और सिर्फ इस केस के खत्म होने तक साथ रहने की मजबूरी। क्योंकि मैं दादा को जेल नहीं जाने दे सकता। केस खत्म, शादी खत्म। केस खत्म, शादी खत्म। कितना आसान है आपके लिए ये कहना, क्योंकि आप एक पुरुष हैं। और एक पुरुष के लिए शादी के बाद कुछ भी नहीं बदलता, ना नाम, ना पहचान, ना जगह,
और एक लड़की के लिए बहुत कुछ बदल जाता है। मुझे शादी पर लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? लेक्चर नहीं दत्तू के पोते, सच्चाई है ये। ये देखिए, मिठाई के गले में आपके नाम का मंगलसूत्र है, मांग में आपके नाम का सिंदूर। क्या आपको मालूम है इस सिंदूर और मंगलसूत्र से कितनी बड़ी जिम्मेदारी जुड़ी है? बकवास है, सब बकवास। और मेरे लिए शादी की कोई वैल्यू नहीं है। That's it. अच्छा होगा कि तुम भी अपने दिमाग से बेकार की बातें बाहर निकाल दो। इस शादी को ना मानना आपका सच है, और ये सिंदूर और मंगलसूत्र मिठाई का सच। आप अपने सच के साथ रहिए और मिठाई को अपने सच के साथ रहने दीजिए। ये शादी आपके लिए जो भी हो, लेकिन मिठाई के लिए मजाक नहीं है। ये देखिए क्या लिखा है, मिठाई सिद्धार्थ चौबे। मिठाई का तो नाम भी बदल गया था दुख बोलते। आप मिठाई को अपनी पत्नी भले ही ना माने, पर मिठाई तो इस परिवार की बहू बन चुकी है। अब आपका परिवार मिठाई का परिवार, और इस परिवार की जिम्मेदारी भी मिठाई की। ब्रह्मे जीने का शौक है, जीते रहो। बट आई मेक श्योर मेरी सच्चाई हर पल तुम्हें गलत प्रूफ करेगी। गोपाल जानते हैं कि मिठाई को भी शादी नहीं, बिजनेस करना था। ये जो कुछ भी हुआ मिठाई के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन मिठाई ने जिम्मेदारी से भागना नहीं सीखा। इसलिए मिठाई हर परिस्थिति का मुकाबला करने को तैयार है। मिठाई को भरोसा है गोपाल पर भी और अपने आप पर भी। गोपाल दत्तू को, दत्तू के पोते को, दत्तू के पूरे परिवार को बचाने के लिए ट्राई करती गई सब कुछ, और मिठाई की शादी हो गई। पर जिससे शादी हुई उसके लिए इस रिश्ते का कोई मोल नहीं, लेकिन मिठाई इस शादी और इस शादी के साथ के सारे रिश्तों की जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएगी। बाकी मिठाई तुम्हारे हाथों में सौंपती है। दादू सिंह कहाँ है? और कहाँ और वो? वो अपनी पत्नी को ढूंढ पे गया है, भाई के साथ होएगा। बेटा तू ठीक तो है? कहाँ भयो, रोए रही ही का? कुछ नहीं दादू, मैं बस सिंह से बात कर रही थी। मैं समझ गया बेटा, पर जो गोपाल जी ने चाहो वो है गयो। इतनी चला को मुझे पता नहीं था, सीधी सादी होना सिर्फ ड्रामा। अब सामने आ गया तुम्हारा असली चेहरा। तुमने मुझसे सिर्फ सिद्धार्थ को नहीं छीना, तुमने मेरे सपने को छीना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई?
या इतनी भी कमजोर नहीं है कि किसी का भी थप्पड़ खा ले। आप उनकी फ्रेंड है इसीलिए, वरना वरना क्या? हाँ, वरना मार दोगी मुझे? बोलो, बर्बाद कर दिया मिठाई तुमने मुझे, क्या घटिया खेल खेल रहा है? अपने जाल में फंसा लिया सिद्धार्थ को, सिर्फ सिर्फ मेरा था, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। मैं शादी करना चाहती थी उससे, पर तुम मौके का फायदा उठा लिया तुमने। ये जो हुआ है ना, मैं कभी नहीं भूलूंगी, और तुम्हें तो मैं बर्बाद करके रहूंगी। के गले में आपके नाम का मांगा सूत्र है, मांग में आपके नाम का सिंदूर। इस शादी को ना मानना आपका सच है, और ये सिंदूर और मंगल सूत्र मिठाई का सच। आप अपने सच के साथ रहिए और मिठाई को अपने सच के साथ रहने दीजिए। ये शादी आपके लिए जो भी हो, लेकिन मिठाई के लिए मजाक नहीं है। ये देखिए क्या लिखा है, मिठाई सिद्धार्थ चौबे। अपेक्षा, नो नो, तेरी सिंपैथी नहीं चाहिए, तेरा प्यार चाहिए था अपेक्षा को, तेरा प्यार से तूने धोखा दे दिया मुझे। अपेक्षा, एक संभाल अपने आप को प्लीज। मैं पन लेके आऊं तेरे लिए, पन चाहिए? अपेक्षा, मेरे तेरी फिक्र हो रही है अपेक्षा, तू प्लीज। मैंने कभी तुझसे कुछ छुपाया नहीं ना, तुझे तो सब पता था ना, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तेरे से शादी करना चाहती हूँ। क्या कहा था तूने कि तू किसी से शादी नहीं करेगा, तो ये क्या है इसे? क्या है ये? How dare you? मिठाई से, वो सड़क छाप जलेबी वाली से शादी? अपेक्षा, नो, डोंट टच मी। एक पल में 100 टुकड़े कर दिए तूने मेरे। अपेक्षा प्लीज, तू तो समझ सकती है कि नो, मैं नहीं समझना चाहती। मेरा बस चलता ना, अभी जान दे देती मैं। अपेक्षा देख, ये शादी शादी नहीं, दिखावा है, समझौता है, मजबूरी है मेरी। रियली सर, ये दिखावा है? यू मीन ये शादी समझौता है? पर ये बात सिर्फ अपने तक रखना, किसी को मत बताना। ये कदम मैंने सिर्फ इसलिए उठाया ताकि दादू को जेल ना जाना पड़े। एक बार ये केस खत्म, फिर शादी भी खत्म। ओह सर, यू डोंट नो, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितनी खुश हुई बात सुनकर। अपेक्षा, यहाँ कभी भी कोई भी आ सकता है, जस्सा या वकील। अगर किसी को शक हो गया तो हम तीनों जेल जाएंगे, सो प्लीज। इट्स ओके सर, सच सुन लिया ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं तुझे इस मैरिज से फ्री करवा दूंगी। मुझे पहले से ही शक था उस लड़की पे, उसने मौके का फायदा उठाया। वो तुझसे प्यार व्यार नहीं करती, वो सिर्फ पैसे से प्यार करती है। मैं अच्छे से पहचान गई थी उस लड़की को, सिद्धार्थ चौबे में नहीं, HM चौबे के बिजनेस में इंटरेस्टेड है वो। मैं तुझे उस लड़की के चुंगल से बाहर निकालूंगी। अरे बेटा, कब तक यहां खड़ी रहेगी? चल बेटा। बेटे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है दुद्दू, हालात थी, मजबूरी थी, पर शादी तो अब हो गई ना। आपके पोते के लिए कितना आसान है ये कहना कि केस खत्म, शादी खत्म, पर बेटा शादी जैसे रिश्ते को दिखावा कैसे मान ले दद्दू?
गोपाल साक्षी है कि अब मैं उनकी पत्नी हूं। मिठाई इस शादी को झूठ कैसे मान ले? सच यही है बेटा, कोई कछु भी कहे पर तू अब मेरी बहू है और मेरे पोते सिद्धार्थ की अर्धांगिनी है। और बेटा गोपाल जी ने कराई है शादी तो कोई कैसे खत्म कर सके? और बेटा ये जो सिद्धार्थ कह रहा ना कि शादी खत्म, तो वहां के दिल में शादी नाम के रिश्ते के लिए सिर्फ गुस्सा है और नफरत है, क्योंकि मैंने वही देखो है बचपन में। और बेटा बचपन की वो कड़वी यादें अभी तक मिट ना पाई, चाहिए तो भेजो है गोपाल जी ने तो वाके जीवन में, ताकि तू वाके दिल में चुपते भाई कार्टिन को निकालेगी और वाकी नफरत को मिटाएगी, वह प्यार करना सिखाएगी।